स्वागत है आप लोगों का प्लांट एकेडमी में। हम लोग अभी तक देख चुके थे पिछले वीडियो में कि फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा, ओके। फिर ये भी देख चुके थे कि वन वन फंक्शन का ग्राफ कैसा होगा। जो ग्राफ ऑफ फंक्शन नहीं होता था वो ग्राफ ऑफ रिलेशन बन जाता था, और जो ग्राफ ऑफ वन वन नहीं होता था वो ग्राफ ऑफ हमारा मैनी वन बन जाता था, ठीक है। इतना हम लोग सीखे हुए हैं। आज हम बात कर रहे हैं ग्राफ ऑफ ऑन टू फंक्शन। तो हम लोगों को ये पता है कि अगर फंक्शन ऑन टू है, ठीक है, अगर फंक्शन ऑन टू है तो फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ द डोमेन, सॉरी कोडोमेन, फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ इट्स कोडोमेन There must be an element in its domain। ठीक है, ऐसा क्यों लिख रहे हैं तो ये बातें आप समझ सकते हैं, क्योंकि पिछले सारे बहुत सारे वीडियो में हमने इसकी चर्चा की है कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं ऑन टू फंक्शन का। अगर सपोज दैट, अगर मान लीजिए कि ये तो डिपेंड करेगा कि फंक्शन कहाँ से कहाँ है। अगर मान लीजिए फंक्शन आर टू आर है, ठीक है, और कोई ग्राफ इस तरह से ड्रॉ कर दिया है, ध्यान रखिएगा, इस तरह से ड्रॉ कर दिया है, ठीक है, ये इधर जा रहा है ग्राफ, ये आगे बढ़ रहा है, ठीक है, ये आगे कंटिन्यू है ग्राफ, ओके, और ये इधर है, दैट मीन्स ये इधर कंटिन्यू है ग्राफ। अब देखिए, अब होगा क्या, ये धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि जितने भी डोमेन है दैट मीन्स ये आगे बढ़ रहा है। जब ये आगे बढ़ेगा ग्राफ हमारा, जैसे इधर ये आगे बढ़ रहा है ग्राफ हमारा, तो क्या होगा कि जितने भी रेंज के लिए, देखिए जितने भी रेंज है सबके लिए, इसका मतलब है कि डोमेन अवेलेबल हो जा रहा है अगर ग्राफ कंटिन्यू है तो, अगर ये आर आर में फंक्शन है तो, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट हम बात कर रहे हैं, सपोज दैट मान लीजिए कि एक ग्राफ ऐसा पकड़ लेते हैं कि इस तरह का ग्राफ चल रहा है, ठीक है, ये भी एक फंक्शन है। अगर इसको देखें तो इस डोमेन के लिए सबके लिए जो अपवर्ड, इसका मतलब सारा पॉजिटिव डोमेन के लिए रेंज है, ये आगे कंटिन्यू है ये, और ये भी आगे कंटिन्यू है ग्राफ हमारा। लेकिन देखिए, अगर हम बोले कि डाउनवर्ड यानी कि नेगेटिव रेंज के लिए कोई डोमेन है क्या, कोई डोमेन नहीं है, बात समझ में आ रहा है। फिर देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं हम, आर टू आर में ही फंक्शन है, ठीक है, ये हमारा आर टू आर के लिए था। अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, एफ आर पॉजिटिव टू आर की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए तो एक ग्राफ ऐसा है, ठीक, अब क्या यहाँ पर जितने भी R पॉजिटिव हैं, तो R पॉजिटिव तो डोमेन है इसका, लेकिन रेंज क्या है, R। तो देखिए, तो अगर हम बात करें रेंज सारा R में, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, तो पॉजिटिव के लिए, पॉजिटिव रियल नंबर के लिए, चूंकि इसके अंदर R पॉजिटिव और R नेगेटिव दोनों नंबर शामिल रहता है, तो हम लोगों को पता है एक जीरो भी रहता है, ठीक है, तो जितने भी पॉजिटिव रेंज हैं वो सारे के लिए डोमेन है लेकिन नेगेटिव के लिए नहीं है। अब सपोज दैट मान लीजिए कि एक ग्राफ ऐसा बनाते हैं, ठीक है, एक ग्राफ बना रहे हैं इस तरह से, ये ऐसे बना दिए मान लीजिए, इसका मतलब क्या होगा कि सारा नेगेटिव रेंज के लिए डोमेन है लेकिन पॉजिटिव के लिए नहीं है, बात समझ में आई। तो देखिए, हम लोग क्या सोच सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन इस कैटेगरी को देख के समझ सके कि अच्छा, जिसका कि इंक्रीजिंग, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज ही कर रहा है ग्राफ, ठीक है, अगर वो इंक्रीज कर रहा है तो इंक्रीज कर रहा है, अगर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज ही कर रहा है ग्राफ, ठीक है, ऐसे ये फंक्शन इंक्रीज ही कर रहा है, कंप्लीट इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये क्या है, ये फंक्शन आपका डिक्रीज कर रहा है, और ये फंक्शन देखिए इंक्रीज कर रहा है,
तो अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो कंप्लीट इंक्रीजिंग हो या कंप्लीट डिक्रीजिंग हो, दैट मीन्स इंक्रीजिंग हो तो इंक्रीजिंग ही हो या डिक्रीजिंग हो तो डिक्रीजिंग ही हो, तब वो फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑनटू फंक्शन। बात समझ में आया? हो सकता है कि अभी ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अभी ना समझ में आया आपको, क्योंकि आगे जा करके हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को जब पढ़ेंगे अच्छे से तब फिर डिस्कस करेंगे ऑनटू फंक्शन का, तो वहाँ समझ में आ जाएगा। यहाँ पर देखिए कि इंक्रीजिंग भी है, एक पॉइंट है यहाँ पर जहाँ पर पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है कि एक मिनिमा पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है ना। जब कोई पॉइंट मिनिमा आ जाए, फिर मिनिमा एक की बात करेंगे हम लोग ट्वेल्थ में, आगे जाकर के मैक्सिमम मिनिमा भी पढ़ेंगे, तब पर भी वहाँ समझ में आ जाएगा कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंसेप्ट क्या है, मैक्सिमम मिनिमा का कंसेप्ट क्या है, तो इजीली बना सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं कि अगर ये इंक्रीज कर रहा है फिर डिक्रीज कर रहा है, ठीक है, इसका मतलब कि इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग अगर दोनों कंसेप्ट आ जाए, ठीक है, या दोनों नेचर शो करे हमारा ग्राफ, तो इसका मतलब ये ऑन टू नहीं हो सकता है, ठीक है। किसमें? रियल नंबर की बात कर रहे हैं, रियल नंबर में, ठीक है। फिर देखिए, ध्यान दीजिएगा, इस कंडीशन में बात करें तो अब यहां भी देख सकते हैं कि एक फंक्शन सिर्फ अगर ये इंक्रीज कर रहा है तो ये ग्राफ सिर्फ इंक्रीज ही कर रहा है धीरे धीरे, ठीक है। इसका मतलब ये क्या होगा? इंक्रीजिंग। ये डिक्रीज कर रहा है तो सिर्फ डिक्रीज ही कर रहा है, तो ये क्या होगा? ये भी ऑन टू का ग्राफ होगा और ये भी ऑन टू का ग्राफ होगा। दैट मीन्स अगर कोई फंक्शन इंक्रीज कर रहा हो फिर डिक्रीज करे, या डिक्रीज कर रहा हो फिर इंक्रीज करे, तब उस फंक्शन का ऑन टू होना अनिवार्य नहीं होगा अगर वो आर टू आर है। इसका मतलब ग्राफ को समझने के लिए हम लोगों को इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में नहीं, नेक्स्ट चैप्टर में जब सीखेंगे, जब इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग जब कैलकुलस में इन करेंगे, तब वहाँ मोर डिटेल में इसकी स्टडी करेंगे, ठीक है। अभी आते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन देख रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ देखिएगा, हम लिखे हुए सम टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन बहुत सारा है, लेकिन अभी हम तीन टाइप्स ही लिखे हैं और इस पर के रिगार्डिंग कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे वन वन ऑन टू को लेकर के। तो देखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये इलेवंथ में भी पढ़े होंगे कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, लीस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है। हम बस थोड़ा सा रिकैप कर दे रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो होता है हमारा, एक नंबर बता रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन ऐसा हो कि एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का सिंबल होता है, एफ एक्स इक्वल्स टू दिस, ये रिप्रेजेंट करता है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका जो वैल्यू होता है, वैल्यू इज, ठीक है, जस्ट लेस और इक्वल, ठीक है, इंटीग्रल वैल्यू होता है इसका, जस्ट लेस और इक्वल इंटीग्रल वैल्यू। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर मान लीजिए 5.6 लिखा हुआ है, तो हमारा 5.6 कहाँ होगा? यहाँ 5 होगा, यहाँ 7 होगा, यहाँ पर 4 होगा, तो यहाँ पर कहीं 5.6 होगा, तो इसका जो वैल्यू होगा इससे जस्ट छोटा, जस्ट लेस कैसा वैल्यू, जस्ट लेस या इक्वल, कौन सा वैल्यू? इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो इससे 5.6 से जस्ट छोटा वैल्यू क्या मिलेगा इंटीग्रल में? 5। ऐसे इससे छोटा इंटीग्रल वैल्यू 4 भी है, लेकिन 4 नहीं होगा क्योंकि इससे जस्ट छोटा चाहिए, जस्ट लेस वैल्यू चाहिए हम लोगों को, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 5। अगर ये हमारा मान लीजिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर -6.9 रहता, तब होता क्या होता इसका वैल्यू, बताइए जल्दी से। अब देखते हैं, फिर अगर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करें तो यहाँ पर आपका -7 होगा, यहाँ पर -6 होगा नंबर लाइन पे, ठीक है। तो -6.9 का यहाँ पर होगा, ये -6.9 है, तो हम लोगों को जो वैल्यू चाहिए यहाँ पर -8 होगा, तो इससे जो भी वैल्यू बाहर आता है, इससे जो भी बाहर आता है, इससे जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू चाहिए, तो आपका 5.6.9 यहाँ है, इससे जस्ट छोटा वैल्यू कहाँ मिलेगा बताइए? इससे जस्ट छोटा इंटीग्रल वैल्यू ये मिलेगा -7, इससे छोटा -8 भी है, लेकिन जस्ट लेस इंटीग्रल वैल्यू क्या है? -7, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? -7, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आप बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगर सपोज दैट माइनस
दिया हुआ है 0.1, ठीक है, तब इसका वैल्यू क्या होगा। एक और है 0.1, तो इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये आप लोगों के कमेंट करने के लिए रहा, इसका वैल्यू बताना है कि दोनों कंडीशन में क्या होगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है हमारा कि एफ कोई फंक्शन है, ठीक है, एफ फंक्शन है हमारा R2R, ठीक, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, ठीक है, ठीक, वेयर दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, दैट मीन इसका वैल्यू क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू, ये बोलना चाह रहा है। तो आपको बताना है कि ये जो फंक्शन है ये 1-1 होगा या नहीं, ऑन टू होगा या नहीं, ठीक है। पहले वीडियो को पॉज करके बनाइए, फिर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तब देखिए, सिंस अगर ये एफ आर टू आर फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, अगर ये 1-1 होता तो क्या होना चाहिए था, जितने भी रेंज हैं एवरी रेंज हैज़ यूनिक डोमेन, लेकिन एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। तो देखिए, हम लोगों को पता है कि सिंस इफ एक्स इक्वल्स टू अगर 5.1 हो जाता है तो एफ 5.1 क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.1, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5.1 क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए, सोचिए कि एंड अगर x इक्वल्स टू 5.9 होता तो दिस इंप्लाइज दैट f ऑफ 5.9, तो f ऑफ 5.9 क्या बन जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.9, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 5। अब देखिए, तो सिंस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि f ऑफ 5.9 इक्वल्स टू f ऑफ 5.9 इक्वल्स टू 5, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि अच्छा, इसका मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ पर 5 है तो यहाँ 5.1 का भी वैल्यू 5 आ जा रहा है, 5.9 का भी वैल्यू 5 आ जा रहा है, और भी बहुत सारे वैल्यू हो सकता है, उतना दिखाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इतना से ही क्लियर हो जा रहा है क्या कि ये 1-1 फंक्शन नहीं है, क्योंकि एक रेंज का एक से ज़्यादा डोमेन आ चुका है, ठीक है। तो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट 1-1, तो फंक्शन इज क्या हो जाएगा, मैनी 1। अब बात कर रहे हैं इसका हम सर्जेक्टिव का, कि सर्जेक्टिव फंक्शन है या नहीं, ठीक है। तो सर्जेक्टिव होने के लिए क्या होना चाहिए था, रेंज और कोडोमेन या तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है, समझ में आ रहा है, या कोडोमेन में जितना भी एलिमेंट है, जितना भी कोडोमेन में एलिमेंट है, याद रखिएगा, जितने भी कोडोमेन में एलिमेंट है सबके लिए डोमेन इधर होना चाहिए, ठीक है, तब सर्जेक्टिव होगा, या रेंज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, कोडोमेन, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में बहुत अच्छे तरह से बताए हुए हैं कि ऑन टू होने के लिए क्या कंडीशन होगा। अब यहाँ पर कोडोमेन की बात करें अगर, तो इसका कोडोमेन क्या है हमारा, कोडोमेन तो आर है, चूँकि फंक्शन आर टू आर है, देख सकते हैं आप, फंक्शन आर टू आर है, तो कोडोमेन क्या हो गया, आर। अब बात कर रहे हैं रेंज का, अब देखिए, सिंस एफ एक्स, कलर चेंज हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक है, एंड दिया हुआ ऐसा, एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एंड द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज ऑलवेज एन इंटीजर, इसका वैल्यू तो हमेशा एक इंटीजर होगा, तो देयरफॉर रेंज क्या होगा, इसका रेंज हो जाएगा हमारा इंटीजर, इंटीजर क्या है, z, ठीक है। अब देखिए, तो रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन है, या रेंज सबसेट ऑफ कोडोमेन है, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन है, तो हम बताए थे कि रेंज अगर प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन हो जाए तब फंक्शन ऑन टू नहीं होता है। यहाँ आप लिख सकते हैं कि सिंस रेंज
सबसे टॉप, कौन सा सबसेट है ये? प्रॉपर सबसेट रेंज, प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है, दैट इज रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं है, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट ऑन टू, क्लियर है? या ऐसा भी समझ सकते हैं, देखिए समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता रहे हैं इसको, आप एग्जाम में यहाँ तक कैलकुलेशन छोड़ दीजिएगा तो चलेगा, या आप चाहे तो ऐसा भी लिख सकते, सोच सकते हैं कि अगर सपोज दैट यहाँ से यहाँ पर है, ये भी आर है, ये भी आर है, तो यहाँ से जो भी होगा, यहाँ से यहाँ जो फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का है, तो अगर 2.1 रहेगा तो क्या मिलेगा था 2, लेकिन अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 5.1 है, दिखने रहा यहाँ पर हम सपोज 5.1 लिखे हुए हैं, तो 5.1 के लिए क्या कुछ मिलेगा इधर, कोई ऐसा एलिमेंट मिलेगा जिससे कि इधर 5.1 हो जाए? पॉसिबल ही नहीं है, ये कोई एलिमेंट पॉसिबल ही नहीं होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर के तहत जो 5.1 मिल जाए, ठीक है? इसका मतलब इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट होंगे जिसका कि प्री इमेज पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना? इसलिए ये फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन नहीं है हमारा, ठीक है? फिर आते हैं, ध्यान दीजिएगा, फिर देखिए दूसरा पार्ट हम लिखे हुए हैं यहाँ पर कि एक हमारा है लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, और एक हमारा है एक लीस्ट इंटीजर फंक्शन है, और एक हमारा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है। इसको देखते हैं, पहले हम लीस्ट इंटीजर की बात करते हैं। लीस्ट इंटीजर फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये एफ एक्स है तो लीस्ट इंटीजर को इससे डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन। इसका जो वैल्यू होता है, हम थोड़ा उतने डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि 11th का टॉपिक है, आप लोग पढ़े होंगे इसको, तो वैल्यू इज जस्ट ग्रेटर और इक्वल टू इंटीग्रल वैल्यू, ठीक है? अब देखिए क्या बोलना चाह रहा है ये, जैसे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.7 है, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? देखिए तो 2.7 कहाँ होगा, यहाँ पर हमारा 2 होगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 4 होगा, तो यहाँ पर पकड़ लीजिए कि 2.7 होगा, तो जो वैल्यू होगा जस्ट ग्रेटर होगा, तो 2.7 से जस्ट ग्रेटर इधर आएंगे, तो इससे ग्रेटर 4 भी है, लेकिन जस्ट ग्रेटर क्या है 3, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। अब देखिए अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर -2.8 रहेगा, ठीक है, तब इसका वैल्यू क्या होगा, तो -2.8 है यहाँ, तो यहाँ -3 होगा, यहाँ पर -4 होगा, यहाँ पर -1 होगा, और यहाँ पर -4 होगा, और यहाँ -5 होगा, तो -2.8 कहाँ होगा, कहीं यहाँ पर होगा। तो जो लिस्ट इंटीजर से जो वैल्यू आएगा इससे जस्ट ग्रेटर, तो इससे ग्रेटर -2 भी है, इससे ग्रेटर -1 भी है, लेकिन जस्ट ग्रेटर क्या आपका -2, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -2। इक्वल टू की जो बात किए थे, अगर मान लीजिए खुद ही इंटीजर रहे, जैसे -7 दे देता है, तब क्या होगा कि यहाँ पर कहीं -7 होगा, तो -7 तो खुद इंटीग्रल वैल्यू है, तब इस कंडीशन में इसका -7 ही हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0 क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। सिमिलरली अगर लिस्ट इंटीजर ऑफ 2.4 है, तो हम लोग को पता है इससे जस्ट छोटा इंटीजर क्या हो जाएगा 2, लेकिन अगर लिस्ट इंटीजर ऑफ 8 होता तो इसमें भी इंटीग्रल वैल्यू वही रह जाता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता है 8 हो जाता है हमारा, ठीक है? अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको बताना है कि f कोई फंक्शन है हमारा R2R, ठीक है, और एफ एक्स इक्वल्स टू लिस्ट इंटीजर ऑफ x है, ठीक है, तो बताना है कि ये 1-1 है या नहीं, ठीक, और ऑन टू है या नहीं, ठीक है? अभी देखिए इसके पहले क्वेश्चन डिस्कस किए थे, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कहाँ था, एफ आर टू आर, एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अगर हम इस क्वेश्चन को चेंज करके हम ऐसा कर देते हैं, ठीक है, एफ जेड टू जेड है, ठीक है, एंड एफ एक्स इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, ठीक, तब बताना है कि फंक्शन 1-1 है या नहीं, ठीक है, और ऑन टू है या नहीं है। फिर इसी में से क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, बनाइएगा जरूर, आपका थोड़ा माइंड
थोड़ा अब्रॉड होगा, आप सोच पाइएगा कि अच्छा कैसे काम कर रहा है ये। फिर एफ हमारा फंक्शन है, एफ एन टू जेड। फिर हम इसके आंसर को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस भी करेंगे, बता भी देंगे थोड़ा, आप पहले बनाइएगा इसको। एफ एन टू जेड है, और एफ एक्स है हमारा वही ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तब ये वन वन है या नहीं, ठीक, और ऑन टू है या नहीं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है एफ एन टू एन है इस बार, ठीक है, एंड सिमिलरली एफ एक्स जो है आपका ग्रेटेस्ट नियर ऑफ एक्स है, तब आपको बताना है कि ये वन वन है या नहीं और ऑन टू है या नहीं। ओके, इसमें भी देखिए एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, सोचिएगा जरूर इसके ऊपर। पर आप लोग को अभी प्रीवियस वीडियो में जो बताए हम ग्रेटेस्ट नियर के हिसाब से, उसके हिसाब से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सिमिलरली फिर इसको भी आप बना सकते हैं कि f जो है हमारा वो z टू n है, ठीक है, और एफ एक्स है ग्रेटेस्ट और लीस्ट इंटीजर ऑफ x है, तब बताना है कि वन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। फिर f आपका क्वेश्चन है, फिर n टू n है, ठीक है, एफ एक्स आपका लीस्ट इंटीजर ऑफ x है, तब बताना है कि वन वन है या नहीं, ऑन टू है या नहीं। फिर एक क्वेश्चन एफ जेड टू जेड है, और एफ एक्स इक्वल्स टू लीस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तब बताना है आपको कि वन वन है या नहीं और ऑन टू है या नहीं, ठीक है। आप तब तक के लिए बनाइए इसको, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा।